अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बटरफ्लाई ड्रमस्टिक्स। ओके, तो बटरफ्लाई इसके लिए है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो ड्रमस्टिक्स है, बट इसे बटरफ्लाई का नाम क्यों दिए हमने वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये हमने जो चिकन लिया है उससे हमें ऐसे दरमियान से इसको ऐसा कट करना है। ये देखो, तो जब ये खुलेगा तो ये ऐसा और यहां से ये ऐसा, हमें इसे ऐसा अलग करना है बस। तो ये जो पार्ट रहता है ना, इसीलिए हम इसे बटरफ्लाई चिकन बोलते हैं। ओके, और हम सारे पीसेस को ऐसे अभी कट कर लेंगे, हाथ संभाल के कट करिए। और इससे मैंने वॉश तो करी हूँ, बट इसके अंदर भी हमें ब्लड रहता है ना। ये देखो, ये ब्लड की वीन्स रहती है ना, ये सब हमको निकालना रहता है अच्छे से साफ करके। और ये इसको ऐसा खोल देना है बस, सारे पीसेस को हमें ऐसे ही कट कर लेना है। ये देखो, ये खून निकलता है ना, वो हमें नहीं चाहिए। वो फ्राइंग में फिर बाहर आता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए किसी को भी। तो उसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी इसमें ही कि हमें क्या करना है उसके लिए। ये देख, बहुत मुश्किल से कट रहा है, लग रहा है ना ये बटरफ्लाई जैसा बीच का पार्ट और ये उसके विंग्स, इसीलिए इसे ड्रमस्टिक बटरफ्लाई कहते हैं। ओके, और इसके जो जूसेस है ना, अब ये पैक रहेगा तो इसके अंदर अपना मसाला या जो भी है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे फ्राइंग के टाइम पे अपनी मेहनत भी कम हो जाएगी, चिकन भी बहुत जल्दी गल जाएगी और इसके अंदर जूसेस अच्छे से, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा अपने लेग पीस में। ओके, ऐसे तो मैं बना रही हूँ बटरफ्लाई ड्रम स्टिक्स, बट मेरे बच्चों लोग को चिकन ना ब्रेस्ट की भी लगती है, तो मैंने होल चिकन मंगाई हूँ। तो इसके टांग अलग करूंगी और फिर इसको भी कट करके मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगी मेरे ड्रम स्टिक्स के साथ। ओके, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे है ना, ये होल लेग पीस होल चिकन थी ना, तो देखो ये और इसमें बहुत फर्क है। ये मैंने बड़ा बड़ा मंगाई थी और इसके सामने तो ये बच्चा दिख रहा है, तो ये मैं ऐसे बड़े बड़े। ये देखो, मैंने ना ये मेरी चिकन जो मैंने अलग से अखा चिकन ली थी ना, उसको मैंने उसकी टांग को ऐसे कट लगा ली। इसको बटरफ्लाई नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे पीसेस हैं, हमें बटरफ्लाई के लिए बड़े पीसेस चाहिए। तो इसको मैंने नॉर्मल ऐसी कट लगा ली हूँ ताकि मेरा मसाला जो है वो अच्छे से अंदर जाए। और ये जो है ना, ये बटरफ्लाई, इसको भी जब जिस तरह से नहीं कटा हुआ है ना, उधर से ना ज्यादा नहीं, दो तीन कट्स लगाना है। देखो ऐसे ऐसे, ज्यादा डीप मत लगाना नहीं तो हड्डी पे से छूट जाएगा। बस इसके तो ऑलरेडी कट हो गए हैं पीसेस, आप ये ब्रेस्ट में भी बना सकते हैं, मट इसमें भी है। और आप है ना, ये रमजान प्रिपरेशन क्या बोलते हैं, वार्म अप डिशेज है रमजान के लिए, क्योंकि ये रमजान में भी बनती है डिशेज मेरे घर पे। तो मैंने सोचा इसको खाना ही है अभी, तो इसका वीडियो अपलोड कर देती हूँ, या आप रमजान में भी ट्राई कर सकते हैं इफ्तारी में। और बहुत, तू जोर से बोलना। ये देखो, ऐसे बर्तन में मैंने अभी इसको है ना, अभी हमको पानी से पूरा भरना है इसे, मैं आपको बताती हूँ। सिरके का बॉटल दे दे जरा। अबे स्टॉप हो। ये देखो, मैंने चिकन को अच्छे से डिप कर ली हूँ पानी में, मतलब ये पूरा ऑलमोस्ट डिप होना चाहिए। और इसमें मैं डालूंगी
अच्छा खासा ये जो दाल का चम्मच होता है ना वो भर के सिरका, ये हमारी चिकन गलाने में भी काम करेगा। दो चिकन सॉरी सिरका डाली हूँ, ये देखो डालने के साथ ही हमारा ये जो चिकन में जूम कर इसको, ये ना ये चिकन में से देखो ब्लड है ना हड्डियों में से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये करेंगे ना अगर हम तो हमारी चिकन का जो भी अंदर से गंदगी है ब्लड है वो सारा ही वापस बाहर आ जाएगा और वो फ्राइंग के टाइम पे हमें तकलीफ नहीं देगा। ओके, और ये चिकन है ना गलने के टाइम पे भी आपको मदद करेगा। चिकन को सिरके के पानी में डिप करके रखी हूँ ताकि उसका जो एक्सेस ब्लड है वो सारा हड्डियों में से निकल आए। इसको कम से कम हमें 10 से 15 मिनट भिगा के रखो इसको, बट ये चिकन है ना अच्छे से डिप होनी चाहिए अपनी, और जब तक है ना अपन इसका मैरिनेशन तैयार कर लेंगे हम। ये क्या बोलते हैं, हमें चिकन मैरिनेशन के लिए चाहिए सबसे पहले चीज चाहिए हमें छांस। तो मेरे पास है ना दही, छांस नहीं थी तो दही अवेलेबल था, तो आप उसकी भी छांस बना सकते हैं। उसमें एक ग्लास जितना पानी डालो, आधी कटोरी एक कटोरी दही ले लो, ज्यादा पतली नहीं करने का। ये देखो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताती हूँ, ये देखो मेरी छांस गाढ़ी है तो हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए छांस की। उसमें आप देखो एक कटोरी मैंने दही ली हूँ, उसमें आप देखो कितना गाढ़ा होता है, मैंने 1.5 ग्लास जितना पानी डाली हूँ, इतना ही गाढ़ा हमको चाहिए। अगर रेडीमेड छांस मिलती तो ओके। उसके लिए हमें मसाले चाहिए, ये मैंने गार्लिक पाउडर ली हूँ, ये चिली फ्लेक्स है, ये ओरेगानो है, और ये वाइट अनियन पाउडर है। और ये डालने से क्या होता है, ये ना ये इसका एक रेसिपी है जो मैं मेरा है जो मैंने डाला है, तो उसमें ये सब पड़ता है। ओके, और अनियन हमें काट के नहीं डाल सकते इसमें, तो अनियन पाउडर चाहिए, और गार्लिक का एक एक्स्ट्रा पंच रहेगा इसमें, तो अदरक लहसुन तो है मगर हमको एक्स्ट्रा गार्लिक चाहिए तो हम इसमें ड्राई वाला गार्लिक डालेंगे। और ये आधी चम्मच है ना तीखी वाली लाल मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लो, ये 1.5 चम्मच हरा मसाला है, 1 टीस्पून सोया सॉस है, और 2 टीस्पून अपना विनेगर है। ओके, ये मसाले हमें चाहिए बस। चिकन मेरा डिप किया हुआ है अभी भी पानी में, मैं इसका मैरिनेशन तैयार करके रखती हूँ, तब तक मेरा चिकन भी वही है, उसको बाद में मैं ऐड करूंगी पानी ड्रेन करके। ओके, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी मेरी छांस। और जो भी अपने को मसाले डालने हैं, ये सोया सॉस है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ग्रीन मसाला है मेरा हरा मसाला, सिरका है 2 टीस्पून। मैं मसाले वापस बता रही हूँ, पहले तो मैं बता ही चुकी हूँ, वापस बता रही हूँ, ये नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लो, फिर भी नहीं समझते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक देख लो। 1/2 टीस्पून काला मिरी पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरा रेड चिली पाउडर है, आप अगर तीखा नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कश्मीरी रेड चिली ले सकते हो। और इसमें 1 चम्मच के करीब मेरा जाएगा गार्लिक पाउडर, नहीं सॉरी वाइट अनियन पाउडर है, ये बराबर से 1 टीस्पून। ओरेगानो जाएगा, ये 1/2 चम्मच लूंगी मैं, ये भी 1/2 टीस्पून है, और गार्लिक का मुझे अच्छा पंच चाहिए इसमें, तो ये तो मैं माशाल्लाह से डालूंगी 1 और 2। ओके, और इसे हम अभी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूं, चिकन भी धुल गया है इसका दो, देखो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ब्लड था सारे चिकन में से देखो निकल चुका है, अच्छे से वॉश हो गया है। ओके, और इसे पानी में से एक वॉश देके निकालने का है, सिरके के पानी में से निकालने के बाद भी इसे एक वॉश देना है हमें, और ये सारे जो पीसेस है ना मैं इसमें डाल दूंगी, इसे ऐसे अल्टी पल्टी करके हमें अच्छे से डिप कर लेना है। ओके,
अच्छे से डिप होना चाहिए हमारा चिकन इसमें। मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने और थोड़ा डाल दी वो भी इसमें। आप बराबर से टेस्ट करना। हाथों से अच्छे से हमें चिकन को अंदर मसाज करना है और एक एक कट्स में भी ऐसा लगाना है और इसे अच्छे से डिप करना है ताकि जितना भी मसाला है हमारे चिकन के अंदर लग जाए। इसे पूरा ऐसा डिप करके हम इसे अभी मैरिनेट के लिए रख देंगे। आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो, 3 घंटे के लिए भी रख सकते हो। जितना ज्यादा मैरिनेशन होएगा ना इस चिकन को उतना टेस्टी लगता है। वैसे बच कितने रहे? 9 और मैं इसे अभी 1 घंटा रखूंगी और मैं 10 बजे फ्राई करना स्टार्ट करूंगी। बस ना चिकन मेरी अच्छे से मैरिनेट हो गई है, अब मैं उसको कोटिंग करूंगी। उसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 1 ग्लास एकदम चिल्ड वाटर है, ये बर्फ का ठंडा पानी है। उसके लिए ये 3 चम्मच बड़े चम्मच, ये मेरा मेजरमेंट का स्पून था, ये 3 बड़े चम्मच मैंने मैदा ली हूँ और इसी का 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ली हूँ। और उसके लिए मुझे मसाले जो चाहिए वो अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है और चिली फ्लेक्स है और आधी टीस्पून काला मिरी है। वैसे काला मिरी मैं अभी अंडे में भी डालूंगी थोड़ी सी। बस इसको हमें 1 ग्लास डाल के पानी ठंडा और अंडे भी ठंडे ही है मेरे, उसको हमें डाल के फेंट लेना है, अच्छे से फेंटना। ये प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी निभाना है। ये मेरे अंडे फिट चुके हैं। अब मैं ये जो एकदम सूखा बर्तन ली हूँ उसमें मैं डालूंगी मेरा मैदे का आटा, कॉर्नफ्लावर, नमक चाहिए मुझे थोड़ा, ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर है, ये अनियन पाउडर है और ये चिली फ्लेक्स है। बस इसे हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। हाथों से कर लो तो बेटर है। इसे अच्छे से मिक्स करके हाँ, और ब्लैक पेपर में डालना भूल गई, सॉरी, वो भी डालना है आधी टीस्पून। हाथों से मिक्स करना, चम्मच का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होएगा ये। इसलिए कॉर्नफ्लावर, मैदा और जितना हमने ये अनियन पाउडर ये सब डाले ना मसाला, वो एक दूसरे में अच्छे से बाइंड होना चाहिए। ओके, ये हटा दो। अभी ये जो मैरिनेटेड पीसेस है मेरे, वो मैं इसमें से एक एक करके निकालूंगी। गरी रहना, इसे मैंने ना 2-3 बार मैरिनेट के समय 2-3 बार चम्मच मारी हूं, तो आपस में एक दूसरे से ये अप एंड डाउन करना जरूरी होता है। बस अभी पहला डिप में इसे इसमें करूंगी अच्छे से। ओके, अच्छे से डिप करो एक बार और फिर इसे एक इसमें एक डिप दूंगी, झट से निकाल दूंगी और इसमें फिर से डालूंगी और इसको अभी मैं ऐसे ऐसा करूंगी।
ऐसे ऐसा छाट लेंगे। हमें सारे पीसेस ऐसे ही कर लेने हैं। सारे पीसेस इसी तरीके से कोट करने हैं हमें। मैं एक और करके बताती हूँ आपको। इसमें भी अच्छे से डिप करो और फिर निकालो, इसमें डालो। इसे एक कोट लगाएंगे हम लोग, झटपट सा कोट है ये, फटाफट सा निकाल देंगे। झाड़ो ऐसे, फिर इसमें डिप करो अच्छे से, फिर निकालो। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और इसे ऐसा दबा दबा के हम प्रेस कर करके इसे अब ये छाड़ देंगे। जितना हम प्रेस करेंगे ना, उतने अच्छे इसके ऊपर ये लेयर्स जो आते हैं ना, ये आएंगे। ओके, ये अच्छे से कोट हो चुका है, इसे हम रेडी कर लेंगे। ये देखो मैंने तेल रख दी हूँ कढ़ाई में। मैं चेक कर रही हूँ मेरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, मैंने देखो डाला है तो, मतलब इसका मतलब मेरा तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें मेरे चिकन के पीसेस धीरे धीरे करके डालूंगी। सब एक साथ मैरिनेट नहीं करना, थोड़े थोड़े चार चार पीस मैरिनेट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डाल दो। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी कढ़ाई ली हूँ, ये वोक बोलते हैं हम लोग इसको। ये कल ही लाई थी मैंने, मैं भी चाइनीज़ डिशेस बनाऊँगी तो आज ही इसकी ओपनिंग हो गई है। क्योंकि एक छोटी सी कढ़ाई में मेरा हार्डली एक सिंगल पीस आ रहा है, तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ा कढ़ाई निकाली, तो इसमें तीन तीन पीस आ गए मेरे। तीन तीन पीस आ गए। चिकन को अभी ये एक साइड से ऐसा फ्राई हुआ है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी नहीं हुआ है, ये दो तीन बार मैं पलट पलट कलर के फ्राई करूंगी। ओके, ये देखो मैंने अलट पलट कर बहुत अच्छे से फ्राई की हूँ। और है ना, बीच बीच में ना मैंने चिकन में ऐसे इससे ना ऐसे कट भी लगाई हूँ, ताकि मेरा चिकन है ना वो अच्छे से अंदर फ्राई हो जाए, कच्चापन कहीं पर से भी नहीं रहे। ऐसे करने से हमारा चिकन अंदर से भी पक जाता है। सब में मैं ऐसा कट्स लगाते जा रही हूँ, फ्राई करते जा रही हूँ, अलग पलट कर हमें अच्छे से फ्राई करना है। ध्यान जरा भी नहीं हटाना, यहीं खड़े रहकर घड़ी घड़ी पलट पलट के मैंने फ्राई की। ऐसे ही नहीं कि एक ही तरफ छोड़ दिया और फ्राई कर दिया, वैसा नहीं है ये। इसको घड़ी घड़ी पलटना चाहिए, तो ही हमारा चिकन कच्चा रहता है और अच्छे से फ्राई होता है। खाना भी स्टार्ट कर दिए बच्चे लोग ने, बीच बीच में हो रही है, ये बाकी है। और मैंने अभी ये जो मेरा आटा बच गया था, मेरे चिकन के पीसेस और बाकी थे, तो मेरा बेटा आया, मम्मी कॉर्नफ्लेक्स डालो, तो कॉर्नफ्लेक्स का एक पैकेट मंगाई, वो डाली हूँ अभी इसमें। अब ये थोड़े जो पीसेस है ना, वो कॉर्नफ्लेक्स वाले फ्राई हो गए, क्योंकि वो तो होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उसको पता है मेरे से अच्छा, तो उसने बोला हाँ ये रेसिपी एक्चुअल में उसी की है, बट अभी उसने कॉर्नफ्लेक्स ला के दिया, बोला मम्मी इसमें भी ट्राई करो, ये भी बहुत टेस्टी बनता है। ईमा ने तूने बोला ना कॉर्नफ्लेक्स वाला, वो भी ट्राई कर रही हूँ, वापस डिप करूंगी। पता है तेरी हर रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ पूरी, तू बताते जा, हम लोग बनाते, हम लोग बनाते जाएंगे। शेफ स्पेशल। इसको है ना, इसका इसका बर्तन किधर है? वो दे बर्तन, वो दे ग्रीन वाला प्लेट, ये लो।
डाल दो ना। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं डालने का गाइस। और एक बात मैं तुमको बताना भूल गई थी, ये जो अपन डिप करते हैं ना आटे में, तो उसको 2 मिनट के लिए रेस्ट होने दो। हाँ चार बार डुबाओ, ईमान बोल रहा है। चार बार नहीं बाबा, मेरी रेसिपी में मैं 2 बार डिप कर रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम तेरी तू खुद बनाएगा मेरी वीडियो में। क्या चार बार डुबा, छह बार, चार बार डुबा या छह बार डुबा? चल तेरे लिए मैं एक और बार डुबा देती हूँ, बस तू भी क्या याद करेगा। अब ये वाला जो है वो कॉर्नफ्लेक्स वाले पीस। अच्छा मिक्स बन गया, बटरफ्लाई चिकन ब्रेस्ट पीस्ट कॉर्नफ्लेक्स चिकन। ये पूरा हमारा किचन मेस्टअप पड़ा है, हमने चिकन खा चुके हैं, बहुत यमी बना था, टेस्टी बना था। रेसिपी को फॉलो करो और आप भी बना के खाओ, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो करो एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर अपडेट्स।